In this session, we will calculate the calorific value of given fuel which is burnt in bomb calorimeter by using correction formula. Welcome everyone, I'm Dr. Anjali Saxena. I welcome you all in this session. Today we are going to solve our third numerical of bomb calorimeter. इससे पहले हमने दो numerical solve किए हैं जिनके link description box में available हैं, जहां मैंने bomb calorimeter के में जो fuel को burn किया गया उस fuel की calorific value calculate की जो कि formula without correction था. जैसा कि मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपको समझाया है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को के दो तरीके के फॉर्मूले हैं, एक तो है विदाउट करेक्शन और एक है विद करेक्शन. तो जो स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है हायर कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला, ये है विदाउट करेक्शन. अगर हमें सवाल में कोई भी करेक्शन नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जबकि अगर हमें फॉर्मूले में कोई करेक्शंस दिए हैं, एक या दो या कई दिए हैं, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है. टोटल चार तरीके के करेक्शन होते हैं, फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन, कूलिंग करेक्शन, कॉटन थ्रेड करेक्शन. इसमें से कूलिंग करेक्शन ऐसा है जो प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होते हैं. तो जो भी आपको दिया हुआ हो केवल आपको उसी करेक्शन की बात करनी है. आइए देखते हैं आज हमें क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. तो हमसे कहा हुआ कोल सैंपल वॉज कंटेनिंग कार्बन 92%, हाइड्रोजन 5%, एच 3%. व्हेन दिस कोल सैंपल वॉज टेस्टेड इन लेबोरेटरी फॉर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेंड. शुरू का क्वेश्चन देख के हम कार्बन 92%, हाइड्रोजन 5 और एच 3 देखकर हम सोच सकते थे इसे ड्यूलोंग से सॉल्व कर लें, लेकिन अगली ही लाइन में हमसे कह दिया गया कि इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में टेस्ट किया गया और ये डिटेल्स पाई गई. तब आप इसकी जीसीवी और एनसीवी जो भी हमसे पूछा है उसको कैलकुलेट करिए. तो यहाँ हम ड्यूलोंग बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे. ड्यूलोंग फॉर्मूला क्या है और इससे किस तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ये भी मैं आपको अपनी सेपरेट वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. आइए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल. तो हमें ऊपर सिर्फ ये डिटेल देखने को मिली कि इसमें हाइड्रोजन तो 5% है, हाइड्रोजन इसमें 5% है, उसके अलावा ऊपर सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर हमें देखने को मिला है. ठीक उसके बाद हमसे कहा गया कि वेट ऑफ कोल सैंपल बर्न्ड, तो एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.95. वेट ऑफ वाटर टेकन यानी कि कैपिटल डब्लू, वाटर इक्विवेलेंट यानी कि स्मॉल डब्लू, राइज इन टेम्परेचर दे दिया यानी कि T1 T2 हमें अलग नहीं दिया, टेम्परेचर टोटल इतना बड़ा, तो ये हमें डेल्टा टी की वैल्यू दे दी, डेल्टा टी की वैल्यू दे दी. फ्यूज वायर करेक्शन यानी कि हमें सी एफ दिया हुआ है, एसिड करेक्शन यानी कि हमें सी ए दिया हुआ है, कूलिंग करेक्शन यानी कि हमें सी सी दिया हुआ है. तो एक कॉटन थ्रेड करेक्शन बचा है, बाकी हमें तीन करेक्शन दिए हुए हैं. कैलकुलेट द ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल सैंपल. अज्यूम दैट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज 580 कैलोरी पर ग्राम. तो हमें 580 दी हुई है, 587 दे करते अगर हमें ये नहीं देते तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं. पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. हमें तीन करेक्शन दिए हुए हैं, सी एफ, सी ए यानी कि फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन और कूलिंग करेक्शन दिया हुआ है. तो इन तीन करेक्शन के साथ देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है. हमें पता है केवल एक करेक्शन, कूलिंग करेक्शन ऐसा है जो कि प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं. तो हम इसको देख सकते हैं, हमारा सिंपल फॉर्मूला तो यही होता है जो कि मैं इस वक्त लिख रही हूँ, कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू इंटू डेल्टा टी. तो इंटू डेल्टा टी. अब कूलिंग करेक्शन प्लस होता है, तो टेम्परेचर है, कूलिंग करेक्शन प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होते हैं. तो मैंने माइनस बाहर लिख लिया तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस सी ए, फ्यूज वायर और एसिड करेक्शन. तो जो करेक्शन हमें दिया है हम उसकी की बात करेंगे, हमने कॉटन थ्रेड करेक्शन को यहाँ पे नहीं लिखा. अपॉन एक्स, तो जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी, देखते हैं हमें क्या वैल्यू दी हुई है. हमें दिया हुआ है वेट ऑफ वाटर जो है वो है 2000 ग्राम्स, प्लस हमें स्मॉल डब्लू कितना दिया हुआ है, स्मॉल डब्लू हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर टेकन है 700 सॉरी, और वाटर इक्विवेलेंट है 2000. तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. सेवन हंड्रेड
प्लस 2000। फिर हमसे राइज इन टेम्परेचर कहा गया था 2.48, तो 2.48 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कूलिंग करेक्शन है हमारा 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्यूज करेक्शन हमें दिया हुआ है 10 कैलोरी प्लस एसिड करेक्शन हमें दिया हुआ है 60 कैलोरी ठीक अपॉन एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 0.95, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 0.95। ठीक तो अब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा, इसको मैंने पहले से सॉल्व करा हुआ है तो ये वैल्यूज हैं हमारी 6750 माइनस 70 अपॉन 0.95। ये जो भी आंसर आएगा ये कैलोरी पर ग्राम में आएगा या हम इसे किलो कैलोरी पर ग्राम भी पर किलोग्राम भी लिख सकते थे। तो इसको सॉल्व करके ये आने वाला है हमारा 7031.57 कैलोरी पर ग्राम। तो ये तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला HCV की वैल्यू ये निकल के आई। LCV तो हमारा हमेशा एक ही फॉर्मूले से निकलता है, चाहे हम HCV किसी भी फॉर्मूले से लगा लें, ड्यूलॉन्ग से लगाया, हमने इससे पहले भी गॉम कैलोरी मीटर के लगाए फॉर्मूले, लेकिन LCV का फॉर्मूला हमेशा वही रहा। LCV विल इक्वल्स टू HCV माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ये है कैलोरी पर ग्राम में। तो हमारी HCV की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 7031.57 माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया हुआ था ये 5%, तो परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू, ये हमें 580 दी है, ये हमें 580 दी है कैलोरी पर ग्राम। जो भी आंसर आएगा वो कैलोरी पर ग्राम में आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 6770.57 कैलोरी पर ग्राम। और ये वैल्यू है LCV की, ये वैल्यू है LCV की। तो बाई यूजिंग करेक्शन फॉर्मूला हमने आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमारे को कूलिंग करेक्शन दिया हुआ था, फ्यूज वायर करेक्शन दिया हुआ था, एसिड करेक्शन दिया हुआ था, तो हमने उन्हीं की वैल्यू पुट करी और वो पुट करने के बाद हमारे HCV की वैल्यू ये आई और LCV की वैल्यू ये आई। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस न्यूमेरिकल का आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।